ये दो सवालों पर गौर कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम सेज रिक्वायर्ड टू इनपुट एंड स्टोर एन गिवन नंबर्स। एन क्या है? 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है। जो भी एन देंगे मतलब एन की भी वैल्यू दी जाएगी और उसके बाद एन वैल्यूज अलग अलग से दी जाएगी और आपको बोला गया है कि उनकी सम निकालिए। अब टेम्पररीली आप इसको गौर कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, खाली ऐसा लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट एन गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, ये तो इजी हो जाएगा। ये हमने किया है इटरेशन से लास्ट टाइम। कैसे किया था? हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था इन एन सम नंबर आई। देखिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, देखिए इस प्रोग्राम को पहले समझिए क्या क्या सही चलेगा, विल इट वर्क करेक्टली। व्हाट इट इज डूइंग इज यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स। इसको चला के देख लेते हैं। इनपुट एक सोच लें हम लोग, एन की वैल्यू मान लीजिए दी है 4 और 4 जो वैल्यूज हैं वो हैं 15, 9, 27 और 32। ये 4 वैल्यू आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं, पहले एन पढ़ेंगे उसकी वैल्यू है 4, फिर उसके बाद 4 वैल्यूज पड़ेंगे और उसकी सम करेंगे। अब ये 4 की जगह 40 होता तो यहाँ पे 40 वैल्यू इनपुट देते हैं। ये सही चलता है कि नहीं तो पहले देखते हैं प्रोग्राम करता क्या है। व्हाट इज इट दैट इट इज डूइंग? आई एम इनिशियलाइजिंग सम टू 0, देन आई एम रीडिंग द वैल्यू ऑफ एन। नाउ आई हैव टू सेट अप एन इटरेशन विच विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स। हर बार में एक नंबर पढ़ूंगा सम में ऐड करूंगा, दूसरा पढ़ूंगा दूसरा सब में ऐड करूंगा। ऐसा कितनी बार करना है? 4 बार करना है, एन बार करना है। तो ये लूप जो लिखा है इटरेशन, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? पहली बार एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल टू 1, फिर एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल टू 2, फिर एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस लिखा है। और ऐसे कब तक होगा? जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन है। यानी आई लेस देन इक्वल टू एन मतलब आई इक्वल टू एन हुआ फिर भी एग्जीक्यूट होगा। एन की वैल्यू 4 है, जब आई 4 हो जाएगा तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ ये इटरेशन? आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4। 4 बार में 4 नंबर पड़े आपने, उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ जब आ गए आप तो आपको सम मिल गई, आपने निकाल दिया। ये सवाल इजी रहे। अब ये 4 हो या 40 हो या 1000 हो, इसी तरह से आप लिखें। इसमें देखिए मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये चेंज स्टेटमेंट मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया आई इक्वल टू 0
क्या ये चलेगा, सही चलेगा, गलत चलेगा? इट इज नॉट आई ऑफ जीरो वैल्यू. सी इन आई एम रीडिंग अ नंबर इन अ लोकेशन, इट इज नॉट कनेक्टेड विद आई. नंबर, आई हैव डिफाइंड नंबर. सो देर इज अ लोकेशन हियर, इज नंबर. सो एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस. आई हैव हियर सम, आई हैव हियर नंबर, आई हैव हियर आई हैव थ्री लोकेशंस. फर्स्ट आई रीड एन, व्हाट विल बी एन? एन फोर हो गया. देन आई कम हियर, दिस विल मेक आई इक्वल टू व्हाट? जीरो. आई हैज बिकम जीरो. देन आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, व्हाट एम आई सेइंग? सी इन नंबर. Does it say ith number or something? No, that is in my mind only. I, the value of I am using as a counting mechanism, independent. But what am I doing? I am reading a number. So this will read the first number, 15. It will come here. Before that I have said sum equal to 0. Yahan pe 0 aa gaya hai. Now I come here, sum is equal to sum plus number. What will it do? 15 plus 0. What is the total value? 15. ये जीरो की जगह 15 हो जाएगा यहां पर. देन आई कम हियर, आई विल गो बैक, इंक्रीमेंट आई, आई विल बिकम 1. इज 1 लेस देन एन? 1 इज लेस देन 4. कमिंग अगेन, अगेन व्हाट एम आई सेइंग? सी इन नंबर. सो आई एम रीडिंग नाउ द सेकंड नंबर. वेयर एम आई रीडिंग? इन द सेम लोकेशन. सो नाउ दिस न्यू नंबर 9 विल कम एंड इट विल रिप्लेस दिस 15. So I am overwriting that number again and again. So the notion is in our mind that if four numbers are given, the first one is first, second, third, fourth, or zero is first, second, fourth. Because you are applying your notion of array in your mind to this problem. But there is no array. I have simply these locations. That is the reason why I said the problem that I am trying to solve is you are required to input n given values and find their sum. In that case, nobody is asking you to remember those values. So I need only one location to hold one value at a time. This will work. Now the real problem starts here. Abhi ye maine nikal diya, phata tha, aur yahan pe likh diya input and store. Abhi kaise likhenge hum program? Abhi aisa agar program likhna hai तो हमें कुछ या तो मानना पड़ेगा कि एन बाबा 10 है, तो हम 10 वेरिएबल के नाम लिख दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, और हर एक सी इन नंबर 1, सी इन नंबर 2, ऐसा करते जाएं. अगर मान लीजिए 10 लिखे हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आई डिफाइन 10 लोकेशंस, बट एक्चुअली यू लेटर ऑन टेल मी एन इज इक्वल टू 5 ओनली. व्हाट विल आई डू इन माय प्रोग्राम? How will I say in my program that if n is greater than 5, then execute other input statements, otherwise execute only these two. How can I do that? Suppose I write C in number 1. ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए. इफ एन इज 4, बट सपोज somebody says एन इज 3 ओनली, अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? पहले ये एक इनपुट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा और चौथा भी करेगा. उस समय कोई वैल्यू नहीं है. मैं बोलूंगा भाई मैंने तो तुमको 3 नंबर पढ़ने के लिए बोले थे, चौथा क्यों मांग रहे हो? व्हाई आर यू आस्किंग मी फॉर 4th नंबर? सो देयर आर प्रॉब्लम्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर अनडिफाइंड एंड आई स्टिल नीड टू स्टोर देम. I do not know how many names I should use. That is one problem. The second problem is, suppose somebody says, read and store 10,000 numbers and find their sum. Store 10,000.
ये अगर algorithm करूं तो I can find the sum of 10,000 numbers, but I'll use only one location and this algorithm will work, small iteration. But if I have to write 10,000 names, कितना समय लगेगा सोचिए आप? Number one, number two, number three, number four, number 912, number 913, number 914, गिनते गिनते ही एक घंटा लगेगा. लिखते में कितना लगेगा? दो घंटे. और उसके बाद कोई आपका दोस्त है जो n की वैल्यू देगा दो, फिर आप क्या करोगे? अब वो इनपुट स्टेटमेंट को हाउ विल यू टेल द प्रोग्राम कि बाबा प्लीज डोंट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. इफ यू वांट टू डू दैट यू हैव टू से इफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस, एल्स इफ n इज इक्वल टू 2 then this, else if n is equal to 3 then this, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. यानी पहले ही लिखने को दो घंटे लगे थे, अब if else if और दो घंटे लगेंगे. क्या ये सही है? और आपने लिखे भी मान लो 1000 और आपने बना दिया प्रोग्राम दोस्त को दे दिया भाई अब इससे 1000 नंबर ऐड कर ले, तो बोला कि नहीं लास्ट नाइट आई रेड ए बुक एंड आई हैव टू ऐड 1,000,000 नंबर्स. फिर लिखो आप, गलत है. मिलियन नंबर स्टोर कर सकते हैं, जगह है कंप्यूटर में, मेमोरी बड़ी है, लेकिन आपका प्रोग्राम भी उतना हनुमान की पूंछ की तरह लंबा हो जाए वो नहीं चलेगा. दैट प्रोग्राम इज मीनिंगलेस. सो यू हैव टू हैव अ प्रोग्राम विच इज मीनिंगफुल एंड देयरफॉर वी से दैट लुक इफ आई हैव टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ऑल सिमिलर, दे आर ऑल इंटीजर्स, दे आर ऑल फ्लोटिंग पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा, सो व्हाई डोंट यू गिव मी अ मैकेनिज्म विच इज मच सिंपलर इन लाइफ. And something like what I say, mathematics में तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 1000 नंबर ऐड करने हो, मिलियन भी ऐड करने हो तो ऐसा लिखेंगे. और जितने भी नंबर हो ni डिनोट कर देता है. अभी what we want is a facility like this. This facility does not exist. नॉर्मली एज पर दिस डिक्लेरेशन एंड ऑल, ये डिक्लेरेशन से ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी. इसके लिए C++ वालों ने एक और अलग फैसिलिटी बनाई है, उसको नाम दिया है एरे. एरे इन C++ इज वन नेम विच कैन हैव मेनी लोकेशन. ऑर्डिनरीली वन नेम इज वन लोकेशन, sum is one location, I is one location, n is one location, number is one location. But suppose I want 1000 locations, then I can say something like this is a new notation. This is not same as n. Int n is one location, but int n 1000 will actually allocate thousand locations. That is what compiler will do. And how will you address this location or this location? You don't have to write number 3, number 4, but you can write n in square bracket I. Depending upon the value of I, this will mean either this location or this location or this location. I की जो भी value होगी वो देख के compiler बोलेगा कि आप इस 1000 में से कौन से location में जाना चाहते हैं. बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे यहाँ पे होते हैं ना. बस इसमें फर्क इतना है कि आपके जो locations आप mathematics में लिखते हैं you value vary I from 1 to n. Here the index as it is called, this is called index, this is called the name of the array. So this is name of array and this is size of array. यानी array का नाम हुआ. इसमें एक आंकड़ा लिखेंगे आप, वेरिएबल नहीं लिख सकते, यहाँ पे आंकड़ा लिखना पड़ेगा. 1000, 500, 50, 2, 4, 10, 40, वो आंकड़ा हुआ साइज. वो कंपाइलर को बताता है कि भैया इतने लोकेशन रिजर्व कर लो मेरे, और ये लोकेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद. अब इसमें जो इंडेक्स होता है ये सबसे पहले वाला इंडेक्स होता है जीरो,
और लास्ट वाला इंडेक्स होगा 99। यानी एरे जो रहती है सी प्लस प्लस में, उसका इंडेक्स जो है वो अगर साइज 1000 हुआ तो इंडेक्स 1 से 1000 तक नहीं होगा, 0 से 999 तक। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी प्लस प्लस एरे। बट वंस यू डू दैट यू हैव नाउ एंटायरली अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज एनी रेफरेंस इज मेड बाय एनआई। सपोज एनी वेयर यू राइट एनआई, somewhere you say x is equal to 5 multiplied by n, if you had written capital N, if you had written y, if you had written p, what would compiler do? It will go to that location for capital N, for I, for p, whatever, take that value and use that value to multiply it by 5, usko 5 se multiply kar. Aapne yahan n I likha hai, एन आई नाम का कोई लोकेशन है क्या? नहीं है। ये लोकेशन हुआ आईथ लोकेशन ऑफ एरे एन। तो जब कंपाइलर ये एग्जीक्यूट करेगा तो पहले ये पूछेगा कि भाई ये आई की वैल्यू क्या है। मान लो उस समय अगर आई की वैल्यू 5 हुई, इफ आई इज 5 देन इट विल फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट दैट इन लोकेशन आई व्हाट इज द वैल्यू। सपोज इट इज 5 देन दिस विल मीन एन। Suppose this value is 15, then this will mean n. यानी जहां पे भी आप यूज करते हैं कि पूरे एरे में से एक ही एलिमेंट यूज होगा एक टाइम, कौन सा एलिमेंट है ये आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे n i लिखते हैं आप, i varies from 1 to n बोलते हैं, तो एक बार n की वैल्यू 1 होगी, i की 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो आप क्या बता रहे हैं? फर्स्ट सिक्वेंस नंबर, सेकेंड सिक्वेंस नंबर, थर्ड सिक्वेंस नंबर। उसी तरह से जीरो एलिमेंट ऑफ द एरे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे, ये एक्सेस होगा। और ये जो फॉर्म है एन आई, आप इसको हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां कोई नाम यूज कर सकते हैं, जहां सम लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, वहां एन आई भी लिख सकते। बस ये जरूरी है कि आई की वैल्यू डिफाइन होना चाहिए उस समय। अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया, एक्स इज इक्वल टू 5 स्टार एन आई, और इसके पहले लिख दिया I is equal to 50,000। बोलिए क्या हो जाएगा? I equal to 50,000, so this will say x is equal to 5 multiplied by 50,000th element of n। लेकिन आपने डिक्लेयर तो करा है n thousand। वो कंपाइलर क्या करता है मालूम है आपको? कंपाइलर बोलेगा ये आपका n zero है, ये आपका n one है, ये n two है, ये n 999 है, इसके आगे वाला n 1000 होना चाहिए, इसके यहाँ से और जाएंगे तो 2000 हो जाएगा। कहीं तो भी नीचे जाके कोई तो भी एक लोकेशन उसको मिलेगा, जो लोकेशन होता 5000 वाला लोकेशन, अगर उतने लोकेशन आपने असाइन किए होते, ये नहीं आपने असाइन, आपने n 1000 डिक्लेयर कर दिया तो खाली 1000 लोकेशन आ गए, लेकिन आपने वैल्यू दे दी 5000। तो वो डम्बो कंपाइलर जो है वो इस लोकेशन पे चला जाएगा जमीन के नीचे, वो ढूंढेगा वो लोकेशन, वो 5000वां होता इफ यू आर डिक्लेयर्ड इट, उस लोकेशन में जो भी वैल्यू बड़ी है उसको लेके आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा x। गलत हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ इफ यू आर यूजिंग एन एरे एंड इफ यू आर डिक्लेयर्ड द साइज टू बी 1000, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि कभी भी आप अगर एन आई लिखेंगे अपने प्रोग्राम में तो उस समय में आई की वैल्यू जो है 0 और 999 के बीच में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो गलती आप, जवाबदारी आप। हमने लिखा है, हमने डिक्लेयर किया, हम अगर यहाँ 50,000 भी लिख सकते थे, हमारी इच्छा है। जैसे कितने वेरिएबल लिखना हमारी इच्छा है, वैसे कितनी एरेज लिखना और हर एरे का साइज क्या होना है हमारी इच्छा है। हमें जितनी बड़ी एरे चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना साइज हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बार साइज लिख दिया उसके बाद जब एरे एलिमेंट यूज करेंगे हम, तो वो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो उस एरे साइज के लिमिट में होना चाहिए। वो अगर नहीं हुआ तो कुछ भी हाहाकार मच सकता। दूसरा एक हाहाकार का आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू -5 और फिर यही स्थिति में -7 -3 बोल आई इज इक्वल टू -3 और फिर बोला एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय एन। करो आप कैलकुलेट, क्या आएगी वैल्यू बताइए, क्या हो सकता है? जो लॉजिक मैंने बताया अभी
अभी थोड़ी देर पहले हम जमीन के नीचे चले गए, अब ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये एन जीरो है। तो सी प्लस प्लस कंपाइलर बड़ा बिल्कुल गणित से चलता है, जीरो ये है, वन ये है, तो ये माइनस वन होना चाहिए, इसके ऊपर वाला लोकेशन माइनस टू होना चाहिए और इसके ऊपर वाला माइनस थ्री होना चाहिए। अब जो भी हो सकता है आपने पहले और चीजें डिक्लेयर करी है, सम आय वगैरह, तो मान लीजिए यहाँ पे सम है, ये सम लोकेशन आपने अनाउंस किया था, आपने कहीं इंट सम बोला था, उसके बाद कुछ एक दो नाम और लिखे और फिर एरे डिक्लेयर किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले सम को एक लोकेशन दे देगा, फिर कैपिटल एन को देगा, फिर आई को देगा, फिर आपकी एन आर ए को देगा, तो एन माइनस थ्री अगर आ गया कहीं से तो ये लोकेशन में चला गया। अब उस लोकेशन में मान लीजिए आपने मरमरा के एडिशन करके कुछ तो भी वैल्यू निकाल के रखी है, 7,554, वो 7,554 लेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स में डाल, सब गड़बड़ जा रहा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू हाउ यू गिव द इंडेक्स। सो easiest thing to remember is that once you declare the size of the array, then you can use this kind of reference anywhere in your program, but it is your responsibility that I is declared properly and it is given a value properly before you come to execute this. ये statement execute करने से पहले I की value हो जाए। लेकिन अगर normal हम अपने कायदे में रहें तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर मी नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट एंड स्टोर एन गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। लेट अस लुक एट दैट प्रोग्राम इटसेल्फ, लेट मी लुक एट दिस प्रोग्राम इटसेल्फ। व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज रीडिंग ए नंबर एंड एडिंग इट टू सम, नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट नंबर। सो सपोज इंस्टेड ऑफ नंबर आई से please don't confuse between this capital N and this small n, they are two different things. In fact, let me write another array name, say V 500, some value 500 values hai, V0, V1, V2, V3, V499. Abhi yahan dekhiye ye memory allocation kaise hoga. Compiler abhi aapka program padh raha hai, compiler is reading your program, it will allocate memory in typically in the order in which you announce the storage. How have you announced int n? Memory तो बड़ी है उसके पास, तो पहले वो memory शुरू करेगा यहाँ से, सबसे पहला जो location है उसको बोल देगा n, फिर आएगा आपका sum, यहाँ पे location को बोल देगा sum, फिर आएगा आपका v500, तो compiler क्या समझा कि आपको 500 location चाहिए एक ही नाम, तो वो यहां से शुरू करेगा, ये वाला होगा V0, ये वाला होगा V1, ऐसे चलते जाएंगे और आखिरी लोकेशन जो होगा क्या होगा, V499। ये पूरे एक लाइन में 500 लोकेशन एक के बाद एक वो जमा कर देगा, असाइन कर देगा। एक और आदमी बचा यहां पे, आए, ये यहां पे आया, ठीक है। तो देखिए एक ही नाम डिक्लेयर करने से, साइज बोल देने से आपको उतने लोकेशन मिल गए, और लोकेशन में अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम से हर लोकेशन जाना जाएगा, खाली उस लोकेशन के लिए इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा, जो इंडेक्स लिख दिया वो लोकेशन हो गया। अब ऐसा अगर है तो मैं प्रोग्राम में क्या चेंज करूं, पहले तो मैंने गिव वैल्यू ऑफ एन पढ़ा तो एन पढ़ लिया, मान लीजिए यही वैल्यू थी 4, यहाँ पे 4 आ गया, सम इज इक्वल टू 0 बोला है, यहाँ पे सम 0 हो गया। अब उसके बाद यही इटरेशन में करता हूं, 0 टू n माइनस 1, n बार होगा इटरेशन, n वैल्यूज पढ़ी जाएंगी इसमें, खाली इसमें जो मैं नंबर पढ़ रहा था इसकी जगह अब मैं बोलता हूं कि भैया ith एलिमेंट ऑफ v पढ़ लो, यू रीड ith एलिमेंट ऑफ v, notice that now this is a valid reference, why, because I am defining I. Now instead of adding this number to sum, I will say jo bhi aapne padha usko add karo,
Now let us see, let us execute this program. What will happen? Execute kare is program ko. N equal to 4 pad liya. Sum is equal to 0 kar diya. Phir uske baad for I equal to 0 hua. To kya ho jayega? Yahan pe 0 value aa gayi. Ab yahan pe aaye hum log C in VI. Kya matlab samjhe? Koi number padho. Kahan rakhna hai? VI mein rakhna. VI to koi jagah nahi hoti. I ki value kya hai? Zero hai. Is matlab V zero mein rakho. Yani kahan rakho? Yahan rakho. Yahan pe kya aayega? Jo pehla number aap padhoge. Kya number padha udhar se? 15. Yahan 15 padha. Theek hai? Iske baad likha sum is equal to sum plus VI. Sum kya hai? Zero hai. Kya add karna hai? VI. VI to add nahi kar sakta. I ki value kya hui? Zero. Yani V zero add karo. यानी ये 15 ऐड करो तो 15 ऐड करके फिर से सब में डालो ये क्या हो जाएगा आप 15 हो जाएगा लेकिन V0 में 15 वैल्यू रही वैसे के वैसे अब आप यहां आ गए यहां आने के बाद वापस जाएंगे I++ हो जाएगा I की वैल्यू क्या हो गई अब 1 हो गई 1 n से कम है फिर से आप चलोगे यहां पे फिर बोलोगे C in VI देखिए इंस्ट्रक्शन वही है लेकिन अब I की वैल्यू चेंज हो गई तो मतलब बदल गया अब वो आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं एक वैल्यू पढ़ो बाहर से जो वैल्यू 9 है कहां रखो वी आई में रखो आई की वैल्यू क्या है अब 1 है यानी वी 1 में अब इसको पाएं तो 9 दूसरी जगह चला गया पहले हम नंबर में पढ़ते थे वो ओवरराइट करता था अब दूसरी जगह चला यहां जाने के बाद में फिर से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस वी आर अगेन आई इज 1 सो दिस टाइम इट विल ऐड वी 1 टू सम V1 की वैल्यू है 9 सब की वैल्यू है 15 कितना हो जाएगा यहां 24 अगेन आई यू विल गो बैक I++ I की वैल्यू हो गई 2 क्या 2 लेस देन n है है n 4 था मेरा I 2 है तो 2 लेस देन 4 है यानी स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा बिल्कुल ठीक पिछली तरह से दिस टाइम अगेन इट विल रीड अ वैल्यू नाउ देन V2 Because I is now 2. See, by changing the value of I iteratively, I am actually making the computer use different locations. Abhi ye V2 mein read hogi. Kya value read ho jayegi V2 mein? 27 ho jayegi. Phir V2 aur sum add hoga. 27 aur 24 kitne hue bhaiya? 51 ho gaye. Yahan pe I 3 ho jayega. Is 3 less than 4? Yes, it is less than 4. I will again execute this. This time I will read the last value 32. It will come where? V3. V3 mein kya value read ho jayegi? 32 read ho gayi. Ab ye 32 51 se add hogi. So what will be the value now? 83. 83 sum ho gaya. Fir yahan is curly bracket mein aa gaya to wapis gaya. I plus plus I की वैल्यू क्या हो गई अब 4 is 4 less than n no n is 4 and I is also 4 is 4 less than 4 no so I will not execute this I will come out क्योंकि मैंने चार नंबर पढ़ने थे पढ़ लिए iteration चार बार execute हुआ पहली बार हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें लिखा था I equal to 1 I less than equal to n वो भी चार बार execute यहां लिखा है I equal to 0, I less than n. ये भी चार बार execute. लेकिन इसका फायदा ये है, कि इस बार ये I 0 से शुरू होता है, इसलिए मैं direct उसको index करके use कर सकता हूँ. Why? Because in C++, the index is 0, 1, 2, 3, 4. It is not 1, 2, 3, 4. The numbers like that, then I will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, or 1, 2, 3, 4. It will not utilize V0. It will not utilize remaining. But suppose you have to actually handle full 1000 numbers. Then you can go V1, V2, V3, V4, V999. V1000 mein kya ho jayega? No, it will read a value in V1000. Where will it keep it? In I. I ka tabla baj gaya aapka. Jo bhi value aaya hai, uski jagah koi bhaltij value aagayi 32 ya 58 ya minus 74. Maja hi maja ho jayega. इसलिए एरे की जो लिमिट्स है हमेशा ख्याल रखिए जीरो से चालू करना n माइनस 1 साइज -1 तक ठीक है
बस अब ये आ गया आपको, तो अभी आप अरे मैन्युपुलेट करते जाइए, जो भी करना है काम करते जाइए। अभी इसका सम हमने निकाल दिया, इसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं आप, सम की जगह मैक्सिमम निकालना, आपको एन नंबर पढ़ने हैं और उसका मैक्सिमम निकालना। ये देखो, यू आर गिवन एन नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द पोजीशन वेयर इट अकर्स। तो सम के लिए अलग से एरे बना देते हैं हम, सम एक सिंपल वेरिएबल है, अभी एक सिंपल लोकेशन है, उसकी जगह सम सम नाम की, एस नाम की हजार लोकेशन की एरे बना देते। तो उस पहले में जीरो एथ वैल्यू, दूसरे में जीरो प्लस वन, तीसरे में जीरो प्लस वन प्लस टू, पार्शल सम जो भी करना, जो भी चीज आप एरे में कर सकते हो इस तरीके से, वो आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट। अब खाली बस ये एक प्रोग्राम लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर और उसकी पोजिशन निकालने का, और आज की क्लास, लेकिन ये प्रोग्राम अब मैं चाहता हूँ कि आप, मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख देता हूँ आपके लिए, डिक्लेरेशन लिखा है मैंने, एन लिखा है क्योंकि एन नंबर्स दिए जाएंगे आपको, एन में भी 4, 5, 700 व्हाटएवर, बट इट विल बी लेस देन 1000 क्योंकि अरे हमने डिक्लेयर करी है 1000। आई लिखा है, काउंटर करके आपको इटरेट करना पड़ेगा, उसके लिए आई लगेगा। आप मैक्स लिखा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपको ढूंढना है कौन सी, और पॉस लिखा है कि पोजिशन ढूंढना है आप। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, ये पहले देख लेते मेमोरी मैप कैसे होगा, कैसे होगा मेमोरी मैप। पहले होगा एन, एन का लोकेशन कहीं तो भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आई का एक लोकेशन होगा, फिर उसके बाद मैक्स का एक लोकेशन होगा, फिर उसके बाद पॉस का एक लोकेशन होगा, और फिर इसके बाद वी के हजार लोकेशन हो जाएंगे। सो वी जीरो हो जाएगा यहाँ पर, वी वन होगा, वी टू होगा, V3 होगा, V4 होगा, और ऐसे करते करते आखिर वाला क्या होगा, V99 लास्ट। ठीक है, ये आपका मेमोरी मैप हो गया, ऐसे मेमोरी लगेगी। C++ जो कंपाइलर है, ये लाइन पढ़ के इतनी मेमोरी बना देगा। अब ये आपको बता दूं कि अगर मन, हाँ सॉरी बोलिए, ओ सॉरी सर, 4-9 हो गए, ज्यादा ही हो गए, कुछ थोड़े कम कर देते हैं। ठीक है, अभी ये बता दूं कि इनपुट जो दिया है आपको n इक्वल टू 4 दिया है, और ये 4 नंबर दिए, 15, 9, 27 और 13, ये 4 नंबर इनपुट, इनकी वैल्यू 4 है, दीज आर द 4 इनपुट वैल्यू, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड इट्स पोजीशन। इन तीनों में, चारों में मैक्सिमम कौन सा है, 27, इसकी पोजीशन कौन सी है, देखिए याद रखें, ये वी जीरो है, ये वी वन है, और ये वी टू है, यानी पोजीशन इसकी हुई 2, इसकी पोजीशन हुई 0, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो ये निकलना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इज 27 एंड इट अकर्स एट पोजिशन 2, यह आउटपुट होना चाहिए अगर ये इनपुट दिया तो। इफ यू गिव लार्जर इनपुट, उसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो, और उसकी जो भी पोजिशन होगी वो निकल के आना चाहिए। लिखिए प्रोग्राम फटाफट, इसको भी चलिए साथ में लिखते हैं समय बचाने के लिए, लेकिन आपको अंदाजा आ गया अब क्या करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, एक एक वैल्यू एक एक टाइम में पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि हमने एरे डिक्लेयर कर ही दी है और हमें मालूम है कि एन नंबर पढ़ना है, तो क्यों ना हम इकट्ठा पढ़ लें। भाई पहले हमने ऐसा प्रोग्राम क्यों लिखा था कि शुरू में वी वेर नॉट रिटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल नंबर, हम एक नंबर पढ़ के सम कर लेते, छोड़ देते थे, दूसरा पढ़ के छोड़ देते थे। अभी हम छोड़ने वाले नहीं है, रखने वाले हैं सबको, तो क्यों अलग अलग जगह पढ़े, इटरेशन एक ही जगह अलग से पढ़ ले उस नंबर को,
तो हम ऐसा प्रोग्राम फिर लिख सकते हैं इसके आगे, ये n की वैल्यू बढ़ ली, इसके बाद हम लिखेंगे I have said give value of n, n की वैल्यू बढ़ ली 4, 10 whatever. अब मैं यहाँ पे एक पहले स्टेटमेंट कर रहा हूँ give individual value. अब यहाँ पे मुझे n values पढ़ना है, एक वैल्यू नहीं पढ़नी, तो अब मुझे सी इन स्टेटमेंट इटरेशन में लिखना पड़ेगा उतनी बार वैल्यूज पढ़ने, और वो इटरेशन फॉर लूप से इजीली बनाया जा सकता है. तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ अगर फॉर अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो n बार एग्जीक्यूट होगा, पहले n i = 0 फिर 1, 2, 3, 4. यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं c in less greater ठीक है, ये स्टेटमेंट n बार एग्जीक्यूट होगा. पहली बार यहाँ इसका मतलब होगा v0, then v1, then v2, then v3, v4, whatever is the n value of n, सब वैल्यूज आ गई. ये वैल्यूज आके कहाँ रहेंगी, यहाँ भर जाएंगी. अब इनपुट हो गया आपका, नाउ आई विल से फाइंड मैक्सिमम. हम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड है, शुरू में बोल देते हैं हम लोग मैक्स इज इक्वल टू v0. ऐसा मान के चलते हैं कि पहली जो वैल्यू है वही मैक्सिमम, अगर नहीं होगी तो बदल देंगे. अगर मैक्सिमम v0 है तो इस मैक्सिमम की पोजीशन क्या हुई भैया, 0. इफ आई एम अस्यूमिंग फर्स्ट 0th एलिमेंट इज मैक्सिमम, देन इट्स पोजीशन इज 0. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. अब हमें इस मैक्स को हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, v1 के साथ, v2 के साथ, v3 के साथ. मान लीजिए v3 जो है इस मैक्स से बड़ा हो गया, तो हम वो मैक्स को बदल देंगे और उस समय पोजीशन को भी बदल देंगे. तो इसलिए यहाँ पे अगर हमने एक और इटरेशन ऐसे बना दिया और इसको जरा सोचिए, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ रखा, क्यों वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि v0 को हमने मान लिया है कि मैक्सिमम है. तो अभी हमको v1 देखना है, v2 देखना है, v3 देखना है, अप टू vn-1. n-1 लास्ट एलिमेंट. ये इटरेशन जो है वो कितनी बार चलेगा, n-1 बार चलेगा. पहला वैल्यू हमने ले लिया है मैक्सिमम करके, दिस विल रन फॉर n-1 टाइम्स. And in each time what it will do, it will compare that ith value now with max. If the ith value is greater than max, तो हमारा assumption गलत था, एक बड़ी value मिल गई, तो max में हमें वो value डालनी पड़ेगी. और जब max में हम value डालेंगे तो अपने आप position भी change हो जाएगी उसकी. इसको फटाक से execute करके देख लेते हैं 1-2 मिनट में. ये input दिया है आपको, n is equal to 4 दिया है और वैल्यूज दी है मान लीजिए 15, 9, 27 और 13.
तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट, क्या होगा बताते जाइए। पहले हमने एन पढ़ा, तो यहाँ पे एन में क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, फॉर आई इक्वल टू जीरो, ये इटरेशन में आई जीरो हो गया पहले। फिर उसके बाद उसके अंदर गए तो वी जीरो पढ़ा, वी जीरो में क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी, या वी जीरो में 15 आ गई। फिर ये आई इक्वल टू आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। फिर अगली बार वी वन में पढ़ेंगे आप क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। फिर आई की वैल्यू बदलेगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आप सीन करेंगे वी आई, मतलब वी टू में पढ़ी जाएगी, अभी वैल्यू 27 आ जाएगी, ये 27 यहाँ पे आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3, सिंस 3 इज लेस देन 4, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे सीन वी आई करेंगे, वी आई की वैल्यू क्या है अब 13, कहाँ जाएगी वो, वी थ्री में जाएगी, 13 हो गई। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर वापिस जाओगे आप यहाँ, इज 4 लेस देन 4, नो, सो यू हैव रेड 4 वैल्यू, आ गए आप वहाँ। तो मतलब ये काम खत्म करते करते आपकी चारों वैल्यूज रीड हो गई, एन की वैल्यू रीड। अब आप ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम में क्या किया, पहले मैक्सिमम इक्वल टू वी जीरो मान लिया कि वी जीरो मतलब क्या है, ये वाला है, तो मैक्स में आपने लिख दिया 15। फिर आपने यहाँ लिखा पॉस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो वैल्यू थी, पॉस में आ गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखिए डबल यूज हो रहा है आई का, एक बार आई जीरो से 4 तक जा चुका है पहले लूप, फिर से यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आई की वैल्यू 1 हो गई, अब क्या होगा, इफ वी 1 ग्रेटर देन मैक्स, वी 1 कितना है, 9 है, इज 9 ग्रेटर देन 15, नो, डोंट डू एनीथिंग, कम आउट हियर, आई बढ़ा दो, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2 4 से कम है इसलिए फिर से अंदर आ गए। इज वी 2 ग्रेटर देन मैक्स, देखें वी 2 कितना है, वी 2 जो है 27 है, 27 15 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैक्स इज इक्वल टू वी 2, यानी मैक्स में जो 15 थी उसको काट के हम यहाँ पे अभी 27, क्योंकि अब नया मैक्स मिल गया। और पोजीशन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 2 है, तो इसलिए ये पॉस जो था यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सो देखिए मैक्स एंड इट्स पोजीशन यू आर कीपिंग ट्रैक बाय पुटिंग देम इन सेपरेट लोकेशन, ये एरेज में वैल्यू वही की वही है, मैक्सिमम बदल गया। चलिए वापस आ गए, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। नाउ यू कम डाउन, इज वी 3 ग्रेटर देन मैक्स, वी 3 क्या है भैया, 13 है, क्या 13 ग्रेटर देन मैक्स है, नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे आप, बाहर आ जाएंगे। यानी यहां आने के बाद में जो भी वैल्यू मैक्स की है वो मैक्सिमम है, और जो भी वैल्यू पोजीशन में है वो उसका इंडेक्स है, पोजीशन 2 बताएगा, सही है, क्योंकि 27 2 में था। ये देखिए आप इसीलिए इस इटरेशन के अंदर जो इफ स्टेटमेंट है, ये अगर कंडीशन सही हुई तो आप दो चीजें चेंज कर रहे हैं, आप एक मैक्स चेंज कर रहे हैं और जो करंट पोजीशन है उसको उस पोजीशन में डाल। अगर ये स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपका पॉस जीरो ही बना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू सही आ जाएगी लेकिन पॉस नहीं बदलेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पोजीशन और मतलब इंडेक्स और वैल्यू दोनों आप प्रिजर्व कर रहे हैं, यू आर प्रिजर्विंग बोथ ऑफ दीज इन टू सेपरेट लूप। हाँ एक ही लूप में हो सकता है, वो उन्होंने कहा कि दो लूप की क्या जरूरत है, जैसे पहले यहाँ लिखा था एक ही लूप में पढ़ो भी और काम भी कर लो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एरेज यूज करते हैं तो कभी भी आप एरे खाली पढ़ के मैक्सिमम निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। आप वो वैल्यूज यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब आगे जाके आपको उस वैल्यूज के साथ कुछ और करना है, इसीलिए आप इतनी सारी वैल्यूज पढ़ के स्टोर कर रहे हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उचित यह है कि पहले आप सब वैल्यूज पढ़ लें एक साथ, इतने इटरेशन लगाए उसमें इसका मतलब नहीं है, लेकिन इनपुट सेक्शन जो है आपने पूरा हैंडल कर लिया, पूरा का पूरा इनपुट पढ़ लिया। सो एक्सप्लेन व्हाई व्हाट इज सेइंग इज आई कैन डू इट इन अ सिंगल इटरेशन, व्हाई एम आई पुटिंग टू इटरेशन, द आंसर इज
that ordinarily if I want to save space and I am using the same location and again, then a single iteration makes sense. But since I have been asked to store the values and find out the position and maximum, and we shall see that tomorrow night when we attend the next lecture, where we will try to learn sorting of arrays, then you will find that it is important that I read all the elements of array in one shot. So, iske liye jab bhi array use kare, to jo bhi input padhna hai, ek alag iteration mein is tarah se padh le us pura input. Fir us input ke saath jo bhi aapko karna hai. So, that is a better practice. You have followed how this is done? Now, please note down this, because tomorrow we will be building on this. अभी हमने मैक्सिमम निकाला है, कल को हम क्या करेंगे, वो मैक्सिमम को एक्सचेंज कर लेंगे, 27 अभी यहाँ है, इसको ऊपर ले जाएंगे और 15 को नीचे ले आएंगे, यानी मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर आ गया। अब उसके बाद यही प्रोसीजर हम रिपीट करें सेकंड थर्ड फोर्थ में, फिर से बड़ा ढूंढे उसमें और फिर से उसको एक्सचेंज करें, तो सेकंड नंबर सबसे दूसरा नंबर का बड़ा हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर का बड़ा हो जाएगा, ऐसे हजार लोग होंगे। We can arrange all 1000 numbers in sorted order. We'll discuss this next time. But try to read. There is an algorithm that I have given for sorting. So read that from the web page and come prepared. So tomorrow we meet again at 9 o'clock here.